अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोइन अशरफ है और इस वीडियो में हम लोग कोरोना वायरस और COVID-19 जो कि कोरोना वायरस की वजह से होने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे फ्रॉम ए टू जेड, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ COVID-19। ये COVID-19 क्या है? तो COVID-19 इज़ बेसिकली कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि डिस्कवर और आइडेंटिफाई हुई थी दिसंबर 2019 में, तो इसलिए इसको COVID-19 कहा जाता है। और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये किस वायरस से कॉज होती है, उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस इन जनरल और इसका साइंटिफिक नेम है SARS-CoV-2। SARS की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। COV2 इज़ कोरोना वायरस 2। इसको 2 इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस था, लेकिन यूजुअली ये एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करवाता था। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी फर्स्ट टाइम हुई है दिसंबर 2019 में, नोटिस की गई चाइना के शहर वुहान में। इसके साइंस और सिम्टम यूजुअली यही है कि पहले तो ये सोचा जा रहा था कि पैथोफिजियोलॉजी इसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि इंसान की जो सांस लेने वाली जो ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं, नाक अलग, गला और लंग्स इसको इन्वॉल्व करती हैं, लेकिन अब क्योंकि रिसर्चेस मज़ीद से मज़ीद होती जा रही हैं तो इसकी अदर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस भी आ रही हैं, यानी कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा दूसरे बॉडी के सिस्टम्स पे भी इन्वॉल्व होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है, इवन न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है, ब्रेन की मैनिफेस्टेशंस भी इसकी आई हैं। लेकिन यूजुअली जो इसके साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि अभी तक रिसर्चेस के साथ हम तक पहुँचे हैं गाइडलाइंस के हवाले से, वो यही हैं कि इट कॉजेज इलनेस जिसमें सबसे पहले बुखार होता है, बुखार के साथ साथ ड्राई कफ होती है, सोर थ्रॉट होता है और उसके साथ साथ मेन जो सिम्टम है जिसकी वजह से लोगों को अलार्म होना पड़ता है वो है इसका डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। एक तो ड्राई कफ होगी और उसके साथ साथ सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो वो सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो इसका मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। और अब इसको आम फ्लू से इसी तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि आम फ्लू यूजुअली रनी नोज़ के साथ प्रेजेंट करता है, नाक बहरी होती है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कोरोना वायरस में ये चीज़ें कम होती हैं, यानी कि कोरोना वायरस ड्राई फ्लू यूजुअली उसके ड्राई फ्लू के साथ प्रेजेंट करता है। ऑल्दो इसमें कफ के साथ स्प्यूटम आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्प्यूटम नहीं आएगा, लेकिन ये यूजुअली रनी नोज़ और स्नीजिंग इन सब चीज़ों के साथ प्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। और इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें यही है कि गला ख़राब होगा, सोर थ्रोट होगा, बुखार जो होगा हाई ग्रेड होगा, हेडेक होगा सीवियर लेवल का यानी कि बहुत शदीद सर में दर्द होगा और उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। इन यंगर पेशेंट्स दीज सिम्टम्स आर माइल्ड, बट इन एल्डर पेशेंट्स जो कि 50 प्लस हैं और विद कोमॉर्बिड्स हैं, कोमॉर्बिड्स का मतलब जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर कार्डिक इशूज़ पहले से हैं, उन पेशेंट्स को जब कोरोना वायरस डिजीज़ लगती है तो उनके अंदर जो अलामत आती हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की होती हैं। अच्छा, जिस तरह हम हर बीमारी को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, किसी भी बीमारी की अलामत तीन तरीके की हो सकती हैं, या तो वो माइल्ड कैटेगरी की होंगी या मॉडरेट होंगी या सीवियर, तो कोरोना वायरस की भी जो साइंस और सिम्टम्स हैं उसको इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। माइल्ड सिम्टम्स ये होते हैं कि जो पेशेंट जिनको एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं होती वो घर पे ट्रीट हो सकते हैं, उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है या तो आइदर एट होम और एट प्लेस रिकमेंडेड फॉर क्वारंटीन पर्पस, आइसोलेशन पर्पस। तो इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ट्रांसफ़र हो गया तो उस ट्रांसफ़र होने के बाद साइन एंड सिम्टम के अपियर होने तक, यानी कि वायरस जब किसी बंदे को लगता है तो वो बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है और उसके बाद जब उसका नंबर एक सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंच जाता है तब जाके बंदे को अलामत फील होना शुरू होती हैं और उसको पता चलता है कि वो बीमार हो चुके हैं। तो वो अगर किसी को शक हो रहा है कि ये इसको कोरोना वायरस हो चुका है तो लैब्स कौन सी होती हैं, कौन से टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पे पता चलता है और कब करवाने, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो PCR टेक्निक का टेस्ट है जो कि नेजोफेरेंजियल स्वाब के ज़रिए लिया जाता है, यानी कि उसका जो एक वो होती है किट उसको या तो आपके नाक में एंटर करेंगे और उसकी सिक्रीशन को वो करेंगे या फिर आपके गले में एंटर करके सिक्रीशन लेंगे और फिर वो जाएगा PCR असेसमेंट के लिए और उसमें फिर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, यानी कि क्वालिटेटिव टेस्ट है ये, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो इसमें या एक पहला बेसिक टेस्ट तो PCR हो गया, उसके अलावा अगर हम लोग फौरी डायग्नोसिस चाह रहे हैं क्लिनिकल, एक तो क्लिनिकल पिक्चर होती है पेशेंट की कि वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है और सेचुरेशन उसकी 94 से कम हो रही है और साथ साथ जो है उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे हम। फिर चेस्ट एक्सरे में हम ये देखेंगे कि उसकी कंसोलिडेशंस तो नहीं है, लंग्स में ओपेसिटीज़, बायलेटरल इसकी जो टिपिकल क्लिनिकल एक्सरे वाली जो पिक्चर है रेडियोलॉजिकल पिक्चर उसमें यही होता है कि ऐसे पेशेंट्स के चेस्ट के अंदर बायलेटरल ओपेसिटीज़ आ रही होती हैं, वो भी लेटरल साइड पर।
दोनों तरफ होंगी और ओपेसिटीज होंगी, ग्लास लाइक वो फाइबर ग्लास लाइक पिक्चर होगी, और साथ साथ सीटी स्कैन चेस्ट भी इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि अगर आप किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में इस बीमारी के साथ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप उसका चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है, ये भी डायग्नोस्टिक है। उसके अलावा जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, उसमें सीबीसी आ जाता है, ESR आ जाता है, उसके अलावा सीरम फेराइटिन लेवल आ जाता है, क्योंकि इस तरह की बीमारी में फेराइटिन लेवल बहुत रेज होते हैं, तो उससे सिर्फ क्ल्यू मिल जाते हैं हमें। तीसरा टेस्ट जो ऐसे मौक़ों पे बहुत ख़ास और बहुत इंपॉर्टेंट है, डी डायमर टेस्ट। अब डी डायमर टेस्ट क्या है, ये इससे ये पता चलता है कि बॉडी के अंदर कोई कोएगुलेशन वगैरह तो नहीं हो रही, खून तो नहीं जम रहा। इस बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी जो अभी तक रिसर्च से साबित हुई है उसमें ये है कि ये वायरस जो है बॉडी के अंदर कोएगुलेशन करवाता है, DIC कहते हैं उसको, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, सही है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्लॉट्स बन रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस टेस्ट के लिए हम लोग डी डायमर टेस्ट करवाते हैं, और ये एक डायग्नोस्टिक उसके हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टेस्ट है। एज सच इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइन अभी तक आई नहीं, यानी कि जिसको कहा जाए कि दिस इज़ द ऑफिशियल ड्रग ट्रीटिंग कोरोना वायरस, बट इसकी ट्रीटमेंट लाइक अदर वायरल डिजीजेस, इसकी ट्रीटमेंट जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जो सिम्टम्स डेवलप कर रहे होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि एक पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट दी जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है जिससे पेशेंट कोलैप्स हो सकता है और वो लेबर्ड ब्रीदिंग पे आ चुका है तो उसको फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट दी जाती है। उसके अलावा जो नॉन क्रिटिकल केसेज हैं, माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस वाले पेशेंट्स, उनको आजकल रिसर्च के हिसाब से एक मेडिसिन है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये दो ड्रग्स दी जा रही हैं, लेकिन ये इन पेशेंट्स को दी जाती हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, घर पे जो पेशेंट्स क्वारंटीन हैं, जो कि जिनके अंदर माइल्ड टू नो सिम्टम्स, तो उनको इस तरह की किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलावा हम लोग इंटरफेरॉन बीटा ये दे सकते हैं जो कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा इंट्रावेनस IV IG इम्यूनोग्लोबिन दिया जा सकता है। आउटकम ऑफ दिस डिजीज इज़ नॉट हैविंग अ हाई मोर्टेलिटी रेट, तो इसके पेशेंट्स जो हैं 95-96% रिकवर हो रहे हैं। वैसे जो इब्तदाई वो थी रिसर्चेस थी और स्टैटिस्टिक्स थे उसमें तो इसकी रिकवरी 98% बताई गई थी, सिर्फ 2% मोर्टेलिटी रेट थी, लेकिन अभी अगर ओवरऑल हम लोग इंटरनेशनल फिगर्स चेक करें तो दुनिया भर के जितने पेशेंट्स रिकवर हुए हैं और जितने एक्सपायर हुए हैं उसमें 10% मोर्टेलिटी आ रही है इन जनरल, तो 90% फिर भी इसके रिकवरी के चांसेस हैं, यानी कि पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे हैं इस बीमारी का शिकार होने के बाद वो 90% है, 10% लोग डेथ का शिकार हो जा रहे हैं, और डेथ भी उन पेशेंट्स में ज़्यादा हो रही है जो कि एल्डर पेशेंट हैं विद कोमॉर्बिड्स, यानी कि 50+, 60+, हैविंग अदर डिजीज एंड अदर इशूज़ एज वेल लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, कार्डिक इशूज़, तो वो पेशेंट्स बहुत मुश्किल से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन उनके अलावा जो यंग पेशेंट्स हैं और इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है वो रिकवर हो जा रहे हैं। Now the main question is how to prevent ourselves and our family members from getting this disease. तो उसके लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यही है कि पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपने एक मास्क पहना हो जिससे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचेंगे, क्योंकि ये वायरस जो है एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी सांस के जरिए आपके जिस्म में जा सकता है। उसके अलावा आपका हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, तो हाथ घर से बाहर जाने के बाद जब वापस आएँ तो 20 सेकेंड्स तक तो आपने सोप से वॉश करना है। उसके अलावा जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ को गैर ज़रूरी तौर पर टच ना करें, सरफेसेस से कॉन्टैक्ट आने होने के बाद आपके हाथ में, और हाथ से फिर मुँह और नाक पर आप हाथ लगाते हैं तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो आप एक तो हैंड सैनिटाइज़र अपनी पॉकेट में रखें, जब भी कॉन्टैक्ट हो सरफेस से तो आप हैंड सैनिटाइज़ करें गैर ज़रूरी तौर पर, और किसी से हाथ वगैरह ना मिलाएं। अभी जो है पर्सनल जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया उसमें यही चीज़ें कि आपने हाथ का भी इंटरेक्शन अपने आप बहुत कंट्रोल में रखना है, बहुत सारी चीज़ों के सरफेस कॉन्टैक्ट से आपने बचना है, और इसी तरह ये एयरबोन भी होता है तो आपने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहनना है ताकि ये सांस के जरिए ना जाए, और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग में 6 फीट का डिस्टेंस रख के दूसरों से बात करें, और इसी तरह बैंक्स और दूसरी जगह जहाँ पर लोग जमा होते हैं तो वो बिल्कुल करीब करीब खड़े ना हो, दूर दूर खड़े हों, 6 फीट का डिस्टेंस रखें। ये वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिस पर अमल करके हम अपने आप को और अपने फैमिली वालों को इस वायरस से बचा सकते हैं। इन दी एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दी एफर्ट्स एंड वर्किंग ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर हेल्पिंग हैंड, उसकी टीम उड़ान। टीम उड़ान बहुत अच्छा काम कर रही है, आप लोग इसी तरह मेहनत जारी रखें, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।